इस कहानी की लेखिका है सोनिया सैनी। पूर्ति और पवन अपने नए घर की पूजा के लिए हवन में बैठ गए थे। पंडित जी गणेश पूजा करने के बाद मंत्रोच्चारित करते हुए हवन कुंड प्रज्वलित कर रहे थे, किंतु लकड़ियां आगे नहीं पकड़ रही थी। कई बार प्रयास करने के बाद आखिर हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हुई और इसी के साथ हवन शुरू हो गया। अचानक ही उन्हें अंदर के कमरे से किसी के दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज लगातार बढ़ती ही जा रही थी। जब काफी देर तक वही आवाज सुनाई पड़ती रही तो पंडित जी अपनी पूजा बीच में रोक कर बोले, लगता है कोई अंदर कमरे में बंद हो गया है, आप जाकर दरवाजा खोल दीजिए। हाँ, लेकिन घर में तो हम चार लोगों के अलावा कोई है ही नहीं। हम तीनों यहाँ बैठे हैं और हमारी बेटी संजू सामने झूला झूल रही है। पूर्ति ने खिड़की से बाहर झूला झूलती संजू की ओर इशारा करके कहा। पूर्ति की बात सुनकर पंडित जी फिर से मंत्र पढ़ने लगे और एक बार फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगती है। साथ ही किसी के रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मेरे कहने से आप एक बार देख आइए, कोई तो जरूर अंदर है, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। पंडित जी की बात सच्ची थी, दरवाजे पीटने की आवाज तो लगातार उसे भी सुनाई पड़ रही थी। इसलिए वो उठकर अंदर गई और सभी कमरों का दरवाजा खोलकर चेक करने लगी। पवन, तीनों कमरे चेक कर लिए, कोई नहीं है। छोड़ो भी, कोई पड़ोस में शोर कर रहा होगा, तुम पूजा में बैठो। पवन के कहने से पूर्ति फिर से पूजा में बैठ जाती है। पूजा खत्म होने के बाद, बेटा थोड़ा सावधान रहना, आपके साथ छोटा बच्चा है और ये घर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतने सालों में कभी किसी के यहाँ मैंने इतने अपशकुन एक साथ होते नहीं देखे। आपका नारियल, यहाँ तक कि गंगा जल भी काला और बदबूदार हो गया था। जब मैं पूजा का जल आपके घर में छिड़क रहा था तो एक कमरे में मुझे करंट जैसा झटका महसूस हुआ। मुझे तो लगता है जरूर इस घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है। देखिए पंडित जी, हम पूजा पाठ में तो मानते हैं, लेकिन प्लीज इस तरह का वहम मत डालिए मेरी पत्नी के दिमाग में। नारियल खराब होना कौन सी बड़ी बात है। पवन की बात सुनकर पंडित जी बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। पूर्ति और पवन की शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन उनकी गोद अभी तक सूनी ही थी। अपनी सूनी गोद को भरने के लिए उन्होंने शेल्टर होम से एक बच्चा गोद लेने का मन बना लिया था। पूर्ति और पवन जब शेल्टर होम पहुंचे तो वहां की मैनेजर ने उन्हें बारी बारी से सभी बच्चों से मिलवा दिया। मैडम, बाकी के सभी बच्चे तो खेल कूद रहे हैं, लेकिन ये बच्ची इतनी गुमसुम क्यों है? उसने अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। जब से यहाँ आई है ऐसी ही है, शायद ये ट्रॉमा में है। पवन, देखो ना, इस नन्ही सी बच्ची ने छोटी सी उम्र में कितना बड़ा दुख सहा है। हम इसे ले चलते हैं, हमारे साथ रहेगी तो शायद नॉर्मल हो जाएगी। पूर्ति और पवन उस छोटी बच्ची संजू को अडॉप्ट कर लेते हैं। संजू को घर आए अभी 2 दिन ही हुए थे कि पवन का ट्रांसफर एक नए शहर में हो गया। नए शहर में आकर पवन ने एक मकान किराए पर ले लिया था। पवन, नया मकान है और हमारी बेटी भी अभी अभी घर आई है, क्यों ना इस मौके पर हम एक पूजा रखवा लें। घर की शुद्धि भी हो जाएगी और संजू को भगवान का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। पूर्ति ने घर में पूजा रखवा तो ली थी, लेकिन पूजा वाले दिन से ही घर में कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था। संजू भी अभी तक किसी से सहज नहीं हुई थी। वो पूरा पूरा दिन ना तो हंसती ना बातें करती, बस बाहर गार्डन में झूले पर झूलती रहती। पवन, हम संजू को संभाल तो पाएंगे ना? वो तो बिल्कुल बात ही नहीं करती है, कुछ भी कहो तो बस घूरती रहती है। उसे कुछ नए कपड़े, खिलौने, चॉकलेट वगैरह दिलाकर लाओ, धीरे धीरे वो सामान्य होने लगेगी, चिंता मत करो। अगले दिन, संजू बेटा, आपके लिए चॉकलेट केक बनाया है, आपको पसंद है ना? खून, क्या बोल रही हो, कहाँ है खून? पूर्ति घबरा कर केक की तरफ देखती है। केक के ऊपर चॉकलेट की जगह खून की परत जमी थी। केक पर बहते खून को देखकर पूर्ति वो केक उठाकर दूर फेंक देती है। संजू केक को देखकर धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। वह धीमे कदमों से केक के पास गई और अपने हाथों से चाट चाट कर केक को खाने लगी। संजू बेटा, गंदा है वो, छोड़ दो, से मैं दूसरा बना दूंगी। पूर्ति की बात सुने बिना संजू जमीन पर पड़ा हुआ केक मजे से खा रही थी। केक के अंदर गंदे पीले कीड़े चलते हुए दिखाई दे रहे थे, जिन्हें संजू बड़े चाव से खाए जा रही थी। ये सब देखकर पूर्ति को उल्टी जैसा महसूस होने लगा और उसने घबराते हुए पवन को फोन लगाया।
पवन, कुछ बहुत अजीब हो रहा है इस घर में। मुझे बहुत डर लग रहा है पवन। मैंने खुद संजू के लिए चॉकलेट केक बनाया था, ना जाने कहां से उस पर खून आ गया और कीड़े चलने लगे। सबसे अजीब बात तो ये है, संजू मना करने पर भी उसे खाए जा रही है। अरे यार, इतनी छोटी सी बात पर तुम इतना हाइपर क्यों हो जाती हो? बच्ची है, उसे केक पसंद होगा इसलिए खा रही है, और जरूर कोई कीड़ा अवन में रहा होगा, उसी का खून लग गया है। पवन की बात सुनकर पूर्ति थोड़ी शांत हो गई थी। रात के 9 बजे का समय था। पूर्ति संजू को उसके कमरे में छोड़कर खाना बना रही थी, तभी पूर्ति को गार्डन से झूले के हिलने की आवाज आने लगती है। संजू बेबी, इतनी रात को आप गार्डन में क्या कर रही हो? चलो अंदर आओ। पूर्ति ने खिड़की से देखा कि संजू झूले पर बैठी हुई कुछ खा रही है। पूर्ति संजू के पास पहुंचकर देखती है कि उसके हाथ में मांस का टुकड़ा है, जिसे वो चॉकलेट की तरह आराम से झूलते हुए खा रही थी। उसके मुंह, हाथ और कपड़ों पर खून लगा हुआ था। संजू, ये क्या खा रही हो? छी, ये कहां से मिला तुम्हें? पूर्ति के इतना कहते ही संजू ने उंगली से इशारा किया। संजू की बताई हुई दिशा में मुड़कर देखते ही पूर्ति के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। वहां पर एक छोटा सा पिल्ला खून से लथपथ पड़ा हुआ था, जिसके टुकड़े जमीन पर फैले हुए थे। ये देखकर पूर्ति की सांस उखड़ने लगी। उसने तेजी से संजू का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए उसे घर के अंदर ले आई। संजू के कमरे में पहुंचने पर पूर्ति ने देखा कि संजू तो अपने कमरे में बैठी कलर कर रही है। एक पल को तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी आंखों के सामने हूबहू दो संजू खड़ी थी। पूर्ति ने झटके से संजू का हाथ छोड़ा और अपने कदम पीछे हटाने लगी, इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकल पाती। कमरे का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। दोनों संजू उसके ठीक सामने खड़ी हुई थी और गुस्से से उसे घूर रही थी। संजू बेटा, आप कहाँ हो? संजू बेटा, मम्मा के पास आओ। संजू, पूर्ति संजू को पुकार रही होती है कि तभी बाहर से पवन की आवाज सुनाई देती है। पूर्ति, संजू कहाँ हो दोनों? पूर्ति, पवन की आवाज आते ही संजू के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया था। पूर्ति दौड़कर कमरे से बाहर निकलती है और पवन का हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। पूर्ति, होश में आओ, क्या हुआ? संजू कहाँ है? पूर्ति घबराते हुए उंगली से संजू के कमरे की ओर इशारा करती है। पवन अंदर जाकर देखता है कि संजू कमरे में ड्राइंग कर रही है। क्या हो गया है तुम्हें? वो तो आराम से ड्राइंग कर रही है। पूर्ति पवन को सारी बात बताती है, लेकिन पवन उसकी बात का विश्वास नहीं करता। ये सब उन पंडित जी का किया धरा है, उन्होंने ही तुम्हारे दिमाग में वहम डाल दिया है। और पूर्ति, वहम का कोई इलाज नहीं होता है। ये सब वहम नहीं है पवन, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस घर में कुछ है, मैं महसूस कर सकती हूँ। हर पल कोई साया मेरे साथ साथ चलता है। मैं जितना भी इस बात को झुठलाऊं, मेरा यकीन और पक्का होता जा रहा है। मेरा यकीन करो, हमारी बच्ची खतरे में है। उसने पहले ही बहुत कुछ झेला है, अब हम इसके साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ, खाना लगाओ, मैं संजू को लेकर आता हूँ। जल्दी ही कोई और घर देखकर उसमें शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। पूर्ति जाकर खाना लगाने लगती है। पवन कमरे में संजू को लेने जाता है। संजू को गोद में उठाते हुए पवन की नजर उसकी ड्राइंग बुक पर पड़ती है। संजू ने जो ड्राइंग बनाई थी उसे देखकर पवन के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। संजू ने झूला झूलते हुए एक भयानक राक्षस की तस्वीर बनाई थी, जो अपने हाथों से मांस खा रहा था। पवन संजू को सीने से चिपकाकर दौड़ते हुए पूर्ति के पास जाता है। पूर्ति, ये देखो, शायद तुम सही थी, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता कि ये सब क्या है, लेकिन कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ। 3 साल की बच्ची ऐसी ड्राइंग क्यों और कैसे बनाएगी? मेड रेखा को फोन लगाओ, वो तो शायद पिछले कई सालों से यहाँ काम करती थी ना, उसे जरूर पता होगा ये सब क्या है। रेखा तो बस एक ही दिन काम पर आई, उसके बाद मुझे उसका कुछ पता नहीं है। क्या रेखा काम पर नहीं आ रही है? हाँ, मुझे लगा उसके परिवार में कुछ इमरजेंसी होगी। फोन लगाओ उसे। पूर्ति मेड रेखा को कॉल करती है, लेकिन उसके फोन की रिंग उन्हें अपने घर से ही सुनाई देने लगती है। पवन, रेखा के फोन की रिंग तो अपने ही घर से सुनाई दे रही है। 2 दिन से वो छुट्टी पर है, तो क्या 2 दिन से उसका फोन हमारे घर में छूटा हुआ है? रिंग की आवाज का पीछा करते हुए वे स्टोर रूम तक पहुंच जाते हैं। स्टोर रूम का दरवाजा खोलते ही एक गंदी बदबू का भपका उनके दिमाग को झकझोर देता है।
ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।